हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ए पी एस दिस क्लासेस प्रकाश एंड स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स तो आज हम लोग ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी कम टू नो वॉट आर ऑक्सिलरीज़ एंड मॉडल वर्ब्स तो ऑगजलरीज और वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस पैसिवाइज क्वेश्चन निगेटिव एक्सेट्रा और टू एक्सप्रेस मीनिंग लाइक एबिलिटी परमिशन पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी ठीक है तो ऑगजरीज को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं उसके साथ में उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करती है मेन वर्ब की हेल्प करती हैं इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है ठीक है तो इनका यूज़ जो है वो टेंसेस बनाने में करते हैं ठीक है तो यू नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस है ना थ्री टाइप्स टेंसेस होते हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और फिर हर टेंस के फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि इनडेफिनेट कंटीन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये सभी टेंसेस में इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है निगेटिव बनाने में या इंट्रोगेटिव बनाने में इनका यूज़ होता है ठीक है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जैसे कि ही राइट्स अ लेटर तो इस सेंटेंस में uh, कोई भी ऑक्जलरी या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है ठीक है क्योंकि ये आपका क्या है ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम क्या बोलेंगे ही दस नॉट राइट अ लेटर ठीक है तो निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया डज़ ठीक है तो डज़ जो है यहाँ पर क्या है ऑकजरूरी है हेल्पिंग वर्ब है इसी तरह से अगर हम दो सेंटेंस कहें कि ही इज राइटिंग अ लेटर तो यहाँ पे इज जो है वो ऑकजररी है तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग इज एम आर वाज है का यूज़ जो होता है वो ऑकजररी के रूप में करते हैं ठीक yeah, तो है ही इज़ राइटिंग अ लेटर ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर या ही वॉज राइटिंग अ लेटर तो यहाँ पर इज है वाज है वेर है आर है एम है ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑग्जरीज हैं ठीक है इसी तरह से जो है आपका जो परफेक्ट टेंस है जैसे कि हम कहते हैं ही हैज़ डन द वर्क आई हैव डन द वर्क या यू हैड डन द वर्क तो यहाँ पे हैज़ हैव और हैड ठीक है ये परफेक्ट के लिए यूज़ हुए हैं और हैज हैव हैड जो है वो क्या है आपके ये के ऑगजलरीज़ हैं जिनका यूज़ परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किया जाता है ठीक है तो इसी तरह से जो है पैसिव वाइज बनाने के लिए भी जो है हम लोग ऑक्जलरीज का यूज़ करते हैं जैसे द बुक वॉज रेड बाय मी है ना तो यहाँ पे हेल्पिंग uh, वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पैसिवाइज बनाने के लिए ठीक है तो क्वेश्चंस बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं जैसे वेयर डू यू गो तो यहाँ पे डू जो है वो ऑगजलरी है या व्हाट आर यू डूइंग ठीक है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ऑगजलरी का यू, यूज़ करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस तरह से जो है ये ऑगजलरीज का यूज़ किया जाता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे यूजेज हैं लिखे हुए हैं कि ऑग्जलरीज कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन एंड कैन बी पुट बिफोर नॉट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया सी इज़ बिजी तो इंट्रोगेटिव में इस को पहले रख दिया गया सब्जेक्ट से इज़ सी बिज़ी और निगेटिव बनाने के लिए इसके जस्ट बाद नॉट का यूज़ सी इज़ नॉट बिज़ी इसी तरह से ही हैज़ अराइव्ड तो इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज़ ही अराइव यानी कि हैज़ को सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिया गया है और निगेटिव में हैज़ के बाद नॉट का यूज़ कर दिया गया है तो स्टूडेंट्स हम इसी प्रकार से निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी कि निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को या ऑगजलरीज़ को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और निगेटिव में ऑगजलरीज के जस्ट बाद हम नॉट या नेवर का यूज़ करते हैं या नो का यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑग्जरीज कौन कौन सी होती हैं तो यहाँ पे ऑगजलरीज जो है बी बी uh, जो है वो ऑक्सिलरी है तो बी के जो फॉर्म्स होते हैं होते हैं आपके प्रजेंट uh, फॉर्म जिसका होता है इज एम आर इसका पास्ट फॉर्म वाज वेर होता है और इसका पार्टिसिपल होता है बीन ठीक है तो ये सभी एग्जलरीज हैं इसके अलावा हैव जो है आपका एक्जलरी है तो हैव के थ्री फॉर्म्स होते हैं हैज़ हैव एंड हैड जिसमें हैज़ और हैव जो है आपके प्रेजेंट फॉर्म में या फ्यूचर फॉर्म में यूज होते हैं और हैड जो है आपका ये तो परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरह से डू जो है वो भी ऑगजलरी है आपका डू डज डिड इसके अलावा कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड मस्ट ऑट ये आपके मॉडल एग्जलरीज़ हैं ठीक है तो हम अब देखते हैं कि मॉडल एग्जलरीज़ क्या होते हैं ठीक तो, है तो मॉडल मॉडल एग्जलरीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं तो मॉडल एक्जरीज आर यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी परमिशन नेसेसिटी एक्सेट्रा ठीक है तो मॉडल एक्जरीज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं एबिलिटी यानी कि योग्यता को प्रकट करने के लिए परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए नेसेसिटी जहाँ पे ज़रूरत को व्यक्त करने के लिए ठीक है तो हर एक मॉडल के एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं मॉडल वर्ब हैज़ मोर देन वन यूज ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपके जो कॉलम्स यहाँ पे आपके जो है कुछ एक टेबल बना हुआ है जिसमें यूजेस दिए गए हैं अलग अलग जैसे कैन का यूज़ जो है वो कहाँ करते हैं हम लोग एबिलिटी और परमिशन के लिए करते हैं यानी फिर जहाँ पे किसी की योग्यता के बारे में बताया जाता है या परमिशन हमें लेना होता है या देना होता है रिक्वेस्ट करना होता है या कुछ ऑफर करनी होती है जैसे ही कैन स्पीक फाइव लैंग्वेजेस ये एबिलिटी प्रक रहा है यानी कि किसी की योग्यता को प्रकट रहा है कैन आई यूज़ योर फ़ोन क्या मैं आपका फैन फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ परमिशन ले रहा है यू कैन गो नाउ तुम जा सकते हो ठीक है ये परमिशन दे रहा है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ यानी क्या जो है मुझे एक ग्लास वाटर मिल सकता है रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर ऑफर कैन आई हेल्प यू क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है ठीक है इसी तरह से कुड का यूज़ जो होता है तो ये कैन uh, के पास्ट फॉर्म में यू भी यूज़ होता है कुड का जैसे कि आई कुड स्वीम वेन आई वॉज सेवन यानी कि जब मैं सेवन ईयर्स का था मैं तैर सकता था ठीक है तो यहाँ पे कैन के पास टेंस के फॉर्म में यूज़ किया गया है एबिलिटी को या कैपेसिटी को प्रकट कर रहा है इसी तरह प्रेजेंट uh, फॉर्म में रिक्वेस्ट को भी ये एक्सप्रेस करता है ठीक है यानी कि हम कुड का यूज़ प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट के लिए करते हैं जैसे कुड यू गेट मी अ टिकट क्या आप मुझे टिकट दे सकते हैं इस तरह मे जो है मे का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं परमिशन के लिए करते हैं जैसे हम लोग अक्सर क्लास में बोलते हैं आप लोग बोलते हैं क्लास में कि सर में आय कमीन या मैम में आई का में? ठीक है यानी परमिशन हम लोग लेते हैं जब अपने से बड़ों से परमिशन लेना होता है तो हम लोग मे का यूज करते हैं कि मे आई कम इन या मे आई गो इसी तरह से मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं पॉसिबिलिटी यानी कि जैसे इट मे रेन टूडे यानी कि आज बारिश हो सकती है तो यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी संभावना तो संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं ठीक है इसके अलावा जो है और क्या यूज़ होते हैं यहाँ पे माइट ठीक है माइट जो है वो आ, इसका यूज़ कहाँ करते हैं ना परमिशन के लिए इसका भी यूज़ करते हैं जहाँ पे परमिशन जो है वो पोलाइटनेस ज़्यादा होती है जैसे कि यू माइट गो नाउ आप जा सकते हैं तो यहाँ परमिशन दी जा रही है इसके अलावा पॉसिबिलिटी जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो लेस पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं जैसे ही माइट कम टूडे ठीक है यानी कि वो आज आ सकता है तो यानी मतलब यहाँ पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है टेन परसेंट पॉजिबिलिटी है कि वो आ सकता है नाइन्टी परसेंट पॉजिबिलिटी है कि वो नहीं आएगा तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तो हम लोग माइट का यूज़ करते हैं इसके अलावा विल का यूज़ होता है ये फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है यानी जब कोई वर्क फ्यूचर में होता है तो हम लोग विल या शैल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम पहले विल का यूज़ देखेंगे जैसे यहाँ पे फ्यूचर एक्शन के लिए कि पर विल रेन टू डे शायद आज बारिश होगी ठीक है फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे या रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कि विल यू गिव मी अ गिफ्ट लिफ्ट यानी क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे ऑफ़र विल यू हैव सम टी क्या आप कुछ चाय लेंगे ठीक है तो यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है तो फ्यूचर एक्शन के लिए रिक्वेस्ट के लिए या ऑफर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं वुड ठीक है वुड का यूज़ हम लोग क्या करते हैं रिक्वेस्ट करने के जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट होता है तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं जैसे वुड यू लैंड मी योर कैमरा क्या आप मुझे अपना कैमरा देंगे ठीक है पोलाइट रिक्वेस्ट जहाँ पे बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करना होता है तो हम लोग वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक ठीक है तो ऑफर के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग जैसे कि वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे तो यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है कप कॉफ़ी ऑफ़र की जा रही है तो हम लोग वहाँ पे वुड का यूज़ कर सकते हैं फिर शैल का यूज़ जो है शेल का यूज़ भी जो है वो आ, फ्यूचर एक्शन के लिए होता है आई के साथ में ठीक है मोस्टली आई के साथ में वी के साथ में हम लोग फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जैसे आई शैल सी हिम टमारो यानी कल मैं उससे मिलूँगा ठीक है इसे ऑफ़र के लिए भी यूज़ करते हैं जैसे शेल आई कैरी द बैग फॉर यू क्या मैं तुम्हारे लिए एक बैग ले आऊँ तो यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है बैग का ऑफ़र कर रहा है यहाँ पे तो हम लोग शेल का यूज़ करते हैं सजेशन सजेशन का जो है यानी कि सलाह देने के लिए शैल वी गो टू द बीच यानी क्या हम बीच पे चलें ठीक है तो यहाँ पर सजेशन दे रहा है यहाँ पर सलाह दे रहा है तो हम लोग शेल का यूज़ कर रहे हैं फिर शुड शुड भी आपका एक मॉडल एक्जलरी है ठीक है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है ग्रामर में जैसे कि नेसेसिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब तो यानी कि तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए शुड का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है तो यानी कि तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर नेसेसिटी है आवश्यकता है ठीक है तो इसके अलावा और भी यूज होते हैं शुड के ठीक है तो हम लोग उसको फिर आगे कभी क्लासेस में इसको और ज़्यादा विस्तार के साथ में पढ़ेंगे इसको ठीक है फिर मस्ट है ठीक है मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एकदम नेसेसिटी अनिवार्यता होती है तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं जैसे कि आई मस्ट अप एट फाइव टमारो यानी कल मुझे सुबह पाँच बजे उठना ही होगा ठीक तो है तो यानी कि उठना ही पड़ेगा नेसेसिटी है ठीक है तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं यू मस्ट गो there मतलब तुम्हें तो वहाँ पर जाना ही होगा जाना ही पड़ेगा तो मतलब हम यहाँ पर अनिवार्यता के लिए करते हैं सर्टेनिटी मतलब निश्चितता जहाँ पर निश्चित होता है इसी मस्ट बी एट होम नाउ यानी उसे इस समय घर पे ही होना चाहिए तो निश्चित है यहाँ पे यानी कि जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस uh, करते हैं तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं फिर इधर आर्ट का यूज़ आर्ट का यूज़ भी नेसेसिटी के लिए हम लोग करते हैं यू आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स यानी तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए तो यहाँ पे नेसेसिटी है या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोरल रिक्वेस्ट होता है तो या कह सकते हैं कि जहाँ पे हम आर्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं जहाँ पे मोरल ड्यूटी के लिए ठीक यह है यहाँ पे ड्यूटी एक्सप्रेस कर यू और टू ओ बी और पेरेंट्स यानी हमारे क्या है मोरल ड्यूटी हमारा नैतिक कर्तव्य है तो हम लोग वहाँ पे आर्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे ठीक है तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे मॉडल एक्जरीज थे जिनके यूजेस हमने पढ़े और अब देखिए इसके बाद एक्सरसाइज हैं तो एक्सरसाइज जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो किया हुआ है ठीक है ये मैचिंग वर्ड्स है जिनको आपको मैच करना है मिलाना है ठीक है तो इसको आप लोग करिए ठीक है और उसके बाद जो हमने किया है फिर आप इससे मैच करिए देखिए फिर आप लोग कितना सही करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय